अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एरर्स को फाइंड करेंगे। ये चैप्टर नंबर 9 है और पेज नंबर है 236। उस पे पार्ट 4 पे लिखा हुआ है फाइंडिंग द एरर्स। तो ये क्विज नंबर हमारा फर्स्ट है। तो उसमें आप देखें इंट ए बी सी डी, ये इंटीजर टाइप वेरिएबल हैं ए बी सी डी, इनको डिक्लेयर किया गया। उसके बाद ग्रेड करेक्टर ग्रेड, ग्रेड को करेक्टर डिक्लेयर किया गया। ये भी हमारी फर्स्ट लाइन भी ठीक है, सेकंड लाइन भी ठीक है। उसके बाद ए को टू 10, ये भी ठीक है क्योंकि 10 इंटीजर वैल्यू है तो ए को दी गई। उसके बाद बी को टू 20 डबल कोट्स के अंदर है, तो ये नहीं ठीक। ये स्ट्रिंग, ये डबल कोट्स आपने इसके ख़त्म करने हैं क्योंकि जो इंटीजर वैल्यू होती है वो डबल कोट्स में नहीं आती। उसके बाद सी को 30 है और एंड पे सेमी कॉलन मिस इसका, तो यहाँ सेमी कॉलन आपने लगाना है। उसके बाद ग्रेड इक्वल टू ए है, तो क्योंकि ग्रेड एक करेक्टर वेरिएबल है उसको जो वैल्यू आप देंगे वो सिंगल कोट्स के अंदर बंद करके देंगे, तो इसलिए इसके ए के दोनों साइडों पे आप सिंगल कोट्स लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो इसमें आप देखें कि इंटीजर एक्स वाई सम, तो इंटीजर के लिए हम इंट इस्तेमाल करते हैं डिक्लेरेशन के, तो इसलिए आप इंटीजर की जगह इंट लगाएंगे। इंटीजर कंप्लीट मुकम्मल आप वर्ड नहीं लिखेंगे, एक्स वाई सम, और सम के एंड पे कॉमा आ रहा है तो यहाँ सेमी कोलन आपने लगाना है। उसके बाद जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो आप देखें यहाँ जेड यूज़ हो रहा है, ऊपर डिक्लेयर नहीं है जेड, ऊपर सम डिक्लेयर, तो इसलिए जेड की जगह आप सम को यूज़ करेंगे। उसके बाद सम इक्वल टू परसेंट डी, डबल कोट सिंगल कोट जेड, फिर जेड आ रहा है यहाँ, तो यहाँ आप सम लगाएंगे जेड की जगह। तो बाकी हमारा ये कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एरर इन द फॉलोइंग कोट सेगमेंट। इसमें आप देखें ए बी इंट ए बी, तो ए बी लिखा दरमियान में कॉमा नहीं लगाया। आप जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उनके दरमियान में उनको सेपरेट बाई कॉमा करते हैं, दरमियान में कॉमे लगाते हैं जितने भी वेरिएबल हों, तो यहाँ से आप कॉमा लगाएं। उसके बाद ए को टू 10 है, तो 10 के ए को टू 10 ये एंड इस स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन में से, तो आप सेमी कॉलन लगाएंगे। बी इक्वल टू 5, तो यहाँ देखें डबल इक्वल लगाएगा, तो एक इक्वल आपने लगानी है, तो एक इक्वल को आप ख़त्म कर दें। उसके बाद प्रिंट एफ ए प्लस बी परसेंट सी परसेंटेज सी डबल कोट सिंगल कोट ए प्लस बी, यानी दोनों वैल्यू को प्लस करके जवाब दिया जा रहा है। तो आपको पता ही ये दोनों ए और बी इंटीजर हैं, तो उनका फॉर्म में स्पेसिफाइड परसेंट ए डी आएगा, ना कि परसेंटेज सी आएगा, ये करेक्टर का होता है, तो यहाँ परसेंट ए डी लगाएंगे, बाकी सारा आपका ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एरर इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इसमें आप देखें जो फर्स्ट लाइन है, आपने जब भी एरर्स को फाइंड करना है या आउटपुट निकालने होते, तो एक एक स्टेटमेंट को गौर से आप देखें। इंट एक्स वाई सेमीकॉलन, ये ठीक है हमारी पहली स्टेटमेंट। उसके बाद जीरो इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई सेमीकॉलन। अब देखें कि लेफ्ट पे कभी भी डिजिट नहीं आता, किसी भी एक्सप्रेशन के लेफ्ट जो होती साइड यहाँ जीरो आया हुआ, वहाँ कोई भी डिजिट नहीं आता, वहाँ वेरिएबल हमेशा आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हमारी एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगी। उसके बाद एक्स ट्रिपल प्लस, यहाँ ये तो है कि डबल प्लस आएगा क्योंकि इंक्रीमेंट डबल प्लस से शो होता है, तो आप ट्रिपल प्लस की जगह डबल प्लस लगाएंगे, एक प्लस को आप ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वाई इक्वल टू एक्स, ये ठीक है स्टेटमेंट। उसके बाद जो प्रिंट ऑफ रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी डबल कोट सिंगल कोट, और ये देखें एक्स प्लस वाई को डबल कोमो के अंदर बांध किया, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट जो होते हैं जिनका हमने आंसर लेना होता है वो डबल कोट्स में कभी नहीं आते, तो ये जो एक्स प्लस वाई डबल कोट्स के अंदर बांध है इसको आप ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बाकी हमारा ठीक है। उसके बाद
अगला है क्विज नंबर 5, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये है फ्लोट ए बी, यानी दोनों को फ्लोट डिक्लेयर किया गया, ए और बी को इंट सी और सी को इंटीजर किया गया। तो ए की कीमत 10.3 है और बी की कीमत 5.2 है और सी इक्वल टू। अब यहाँ इन को ए और बी को मॉड किया गया है, मॉड, और मॉड ऑपरेटर में ये होता है कि दोनों जो मॉड वैल्यू हो रही होती हैं वो इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, फ्लोट पे मॉड ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए हमें दोनों को ए और बी को यहाँ चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में। तो हम ये इधर उन्होंने लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेटों के अंदर इंट, हालांकि यहाँ आता है आपका छोटी ब्रैकेटों के अंदर इंट, तो आप एंगल ब्रैकेटों की जगह छोटी ब्रैकेट लगाएंगे तो इंट, तो ए आपका इंटीजर बन जाएगा। इसी तरह बी के साथ ये ठीक है, वहाँ ठीक लिखा हुआ है, उन्होंने छोटी ब्रैकेटों के अंदर इंटीजर लिखा हुआ है और बी, और उसके बाद आप सी का जवाब लेंगे। तो यहाँ देखें परसेंट डी के बाद सेमी कॉलन आ रहा, तो इस यहाँ कॉमा आना चाहिए, तो सेमी कॉलन को ख़त्म करके अब कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पहली लाइन है इंट ए इक्वल टू 5, ये इनिशियलाइज किया गया है, डिक्लेयर भी ये हुआ, साथ कीमत भी दे दी, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। उसके बाद इंट डबल और उसको ये साथ ये कैलकुलेट हुई हुई एक्सप्रेशन, तो ये आप ये डबल जो है इसको मतलब ए के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर डबल को मिल जाएगा, 5 गिव्स परसेंट डी डबल डबल, तो आपको पता है डबल आपका इंटीजर, ये सारी लाइन ठीक है। लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, जो दूसरी लाइन है यहाँ डबल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए लिखा हुआ, तो पहले आप इन डबल को इंट डिक्लेयर करोगे एक लाइन में और अगली लाइन में डबल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए लिखेंगे। मतलब है कि एक दफ़ा ऊपर आप डिक्लेयर करेंगे डबल को और नीचे जाके डबल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए लिखेंगे आप। उसके बाद ये अगला हमारा है ऐश इंक्लूड, ये स्टडियो के स्पेलिंग गलत हैं, इसको ठीक करें, stdio आते हैं डॉट एच। उसके बाद मेन इंट x 10 है, y 13 है और x पे प्री x इक्वल टू प्रीफिक्स y इंक्रीमेंट है, y इक्वल टू x पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है, ये दोनों ठीक हैं। उसके बाद आप x और y को प्रिंट करने जा रहे हैं, x और y, ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंटें ही आपकी ठीक है। यहाँ जो है ना, यहाँ गलती है पहली डिक्लेरेशन के वक्त, एक्स इक्वल टू 10 कॉमा आएगा, कॉमा लगा के वाई इक्वल टू 13 आप करेंगे, यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है तो कॉमा लगा के वाई इक्वल टू 13 करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इंट ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 40, एंड पे सेमीकोलन में से वो लगाएं। उसके बाद सम, इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड मिस है, परसेंटेज डी, और यहाँ सम की जगह ए प्लस बी आप लगा दें या सम भी रहने दें, क्योंकि ये तो एक टेक्स्ट मैसेज है, इसका कोई मसला नहीं है, ये डबल कोट तो इसका नहीं है, लेकिन यहाँ परसेंटेज डी लगाएंगे, ये जहाँ कॉलन लगा हुआ ना उसके बाद, और इसके प्रिंट एफ स्टेटमेंट के आखिर पे सेमी कॉलन मिस है, और जो ऊपर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट थी उसके एंड पे भी सेमी कॉलन मिस है, वो भी आप लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इंट एक्स इक्वल टू 5 है, इंट वाई, इस हालांकि ये आप ऊपर ही डिक्लेयर कर सकते थे एक लाइन में, बेहतर था, और ऊपर जो वाइड मेन है तो उसका वाइड का वी बड़ा है, तो ये छोटा आपने डालना, और जो मेन के बाद बड़ी ब्रैकेटें आ रही इसको आपने छोटी ब्रैकेटें करना है। उसके बाद इंट एक्स इक्वल टू 5 इंट वाई, तो ये दोनों को एक लाइन में आप ले आते, इंट एक्स इक्वल टू 5 लिख लें, कॉमा लगा के वाई लिख लें, तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये सेमीकोलन में से इसका, और उसी तरह अगली स्टेप में वाई को प्रिंट किया गया और बाकी ठीक है। उसके बाद क्विज नंबर 10 है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, एंड सी इक्वल टू 7 और सेमीकोलन में से है, सेमीकोलन लगाएं यहाँ, और यहाँ देखें सी बड़ा यूज़ किया प्रिंटर के अंदर, ऊपर जो था वो सी छोटा था,
तो यहाँ भी आप छोटा इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट भी लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट से बंद करेंगे, सी के बाद ब्रैकेट आती है, फिर सेमी कॉलन आता है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे फिर सेमी कॉलन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें इंक्लूड का आई बड़ा है तो ये छोटा करें आप, और वाइड मैन वाइड ये ठीक है, इंट ए बी दरमियान में देखें सेमी कॉलन आ रहा है ए और बी के, ये यहाँ कॉमा आना चाहिए, तो कॉमा लगाएंगे, ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 5, ये डबल इक्वल एक इक्वल लगाएंगे आप, उसके बाद एक्स को प्रिंट किया जा रहा है तो एक्स तो ऊपर डिक्लेयर ही नहीं है, तो आप ए को प्रिंट कर सकते हैं या बी को कर सकते हैं, या बी लगा दें या ए लगा दें, जिसको मर्जी लगा दें। ये थे हमारे एरर्स जो हमने फाइंड किए और उनको करेक्ट भी हमने किया है, तो आप प्रैक्टिस करें इसकी, इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, और एक एक स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना होता है और फिर उसको देखना होता है तसल्ली से, और फिर अगली स्टेटमेंट को चेक करना होता है, तो इसमें छोटी सी भी आपसे मिस्टेक होगी तो आपके जो 2 नंबर ज़ाया हो जाएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 9 के हमने किए हैं, इसके बाद इंशाल्लाह इसी के हम जो आउटपुट है वो करेंगे अगली वीडियो में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको कहीं मसला बने तो मेरे नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मोबाइल नंबर, वहाँ उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।